आपको टंकी दिख रही है जिसमें नाम लिखा हुआ है ध्रुपद संस्थान, ये वजह थी इस हाइट में बनाने के लिए, ताकि उस जमाने में आज से 15-20 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे कोई नहीं रहता था, तो जो रोड कच्ची सड़क से आदमी गुजरता था वो पहचान पाता था कि यहाँ ध्रुपद संस्थान है, तो हाइट में बनाया था। गुरुकुल जो है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ध्रुपद संस्थान का इसकी जो उद्घाटन किया, इसका जो इनॉग्रेशन किया, वो पंडित भीमसेन जोशी जी ने किया, जिस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या अपन उसको हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत बोले, तो जो ध्रुपद एक जनर होता है, एक स्टाइल होती है, उसमें मेरे ख्याल से गुंडेचा बंधु या गुंडेचा ब्रदर्स के नाम से जो बड़े मशहूर हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कला के क्षेत्र में कोई ऐसा अवार्ड या ऐसा कोई रिवॉर्ड बचा हो जो जिससे ये पुरस्कृत नहीं हुए हो। ध्रुपद जो है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ग्रामर है। हमने ध्रुपद शैली में ही कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को और जयशंकर प्रसाद को, निराला जी को, इनकी कविताओं को, इनके पदों को हम लोगों ने ध्रुपद शैली में। अच्छा, एक मैं छोटा सा, हम लोग तो बच्चे थे जब सुनते थे कि वो तानसेन जी ने राग जो है वो मलर गाया तो पानी गिर गया, और राग दीपक गाया तो आग जल गई, तो इसमें क्या सच्चाई है और इसमें कितनी मतलब एक डेप्थ है? वो सब जायज़ है। जायज़ है इसलिए जायज़ है कि संगीत में वो शक्ति है, स्वरों में वो। गुरुकुल जो है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ध्रुपद संस्थान का इसकी जो उद्घाटन किया, इसका जो इनॉग्रेशन किया, वो पंडित भीमसेन जोशी जी ने किया, वो बड़ा एक ऑनर की बात थी और बहुत बड़े एक रिस्पेक्ट की बात थी कि पंडित जी आए। जी रमाकांत जी की तस्वीर है, और ये वो जगह है, ये जो आसन है आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ बैठ के वो अपने जो बच्चे आते थे उनको शिक्षा देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। ये रूम उन्हीं के लिए रहता बंद रहता है, और ये उनकी मेमोरी में ये रूम रखा हुआ है। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या अपन उसको हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत बोले, तो जो ध्रुपद एक जनर होता है, एक स्टाइल होती है, उसमें मेरे ख्याल से गुंडेचा बंधु या गुंडेचा ब्रदर्स के नाम से जो बड़े मशहूर हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कला के क्षेत्र में कोई ऐसा अवार्ड या ऐसा कोई रिवॉर्ड बचा हो जो जिससे ये पुरस्कृत नहीं हुए हों। अपन अगर शुरुआत करें तो उस्ताद अलाउद्दीन फेलोशिप अवार्ड इनको प्राप्त हुआ, कुमार गंधर्व का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ, इनको मध्य प्रदेश का गौरव सम्मान इनको प्राप्त हुआ, डागर घराने का इनको सम्मान प्राप्त हुआ, और फिर सबसे बड़ी चीज़ भारत सरकार से वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पंडित जी। हमारे उमाकांत जी हैं, उनके भतीजे हैं, आनंद हैं,
और मैं शुरुआत यहीं से चाहूँगा करने के लिए। मैं फिलहाल ये बता दूँ कि इनका जो द्रुपद एक संस्थान है, ये आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, ये भोपाल के भदभदा से करीब जो डैम है वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं बैठा हूँ, इनके साथ ही बैठा हुआ। तो मैं ये इसी चीज़ से शुरुआत करना चाह रहा था पंडित जी, कि आपका जो ये जो जनर है, जो द्रुपद राग है जो अभी आपने गाया, इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जो युवा है, एक जो यूथ है हिंदुस्तान का, अगर वो अवेयर होगा, तो अगर वो एसोसिएट होता है, तो ये चीज़ की जो एक जो मशहूर होती है या ये चीज़ जो स्प्रेड करेगी, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छी बात कही है कुकरेजा साहब आपने। ध्रुपद जो है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ग्रामर है, एक तरीके से आप इसको मदर म्यूज़िक भी कह सकते हैं। जैसे हम किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखते हैं, उसके जो तौर तरीके वो सीखते हैं, तो ये जो गाने के जो तौर तरीके हैं, जो उसकी ग्रामर है शास्त्रीय संगीत की, वो ध्रुपद से हमको मिलती है। तो एक तो ये बात है कि ये मदर म्यूजिक। जेनर क्या होता है सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनर? ध्रुपद का मतलब होता है कि जहाँ से हम चले हैं जी, वहाँ से वापस लौट के उसी स्थान पर आना। अच्छा, ध्रुव एक जगह हम स्थिर हैं जी, और जहाँ उस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से हम वापस लौट के उस जगह पर आए जी, जी। और ये ध्रुपद ने पहली बार जो है संगीत जगत को ये जो एक फार्मूला है या ये जो तरीका है गाने का, ये प्रदान किया। और ध्रुपद के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ध्रुपद हमारा सबसे पुराना गाना है जी, शास्त्रीय संगीत, और ये वेदों से निकला है, ख़ास तौर से सामवेद से इसका उद्गम माना गया है। इसकी बहुत लंबी जर्नी रही है, और आप जितने भी बड़े नाम सुनते हैं, तानसेन जी का या बिजू बावरागत जी का या स्वामी हरिदास जी का जी, ये जितने बड़े बड़े महान गायक हुए हैं, सब ध्रुपद ही गाते थे। तो ध्रुपद का अपना एक वैभव रहा है, एक इतिहास रहा है, और इसी ने ध्रुपद संगीत ने ही हमारे पूरा जो आज शास्त्रीय संगीत का जो परिदृश्य हमको दिखाई देता है, उसको प्रभावित किया है, उसको जन्म दिया है। जैसे ये ख्याल है या बाकी जो आपके राग हैं, ये सब ध्रुपद के बाद के जी, ध्रुपद इनिशियल इनिशियल। अभी जैसे जिक्र किया आपने पंडित जी की, तानसेन जी संगीत सम्राट भी बोला उनको, मियां तानसेन का भी खिताब मिला, नवरत्न भी रहे अकबर जी के दरबार में। तो ये तो अब तानसेन की अगर अपन हिस्ट्री में जाएं, तो वो तो वर्ष 1500 के आसपास की बात है, 1500-1600 की बात, 1500-1600 की बात। उस समय सिर्फ ध्रुपद ही था, शास्त्रीय संगीत के नाम पे सिर्फ ध्रुपद ही था, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ध्रुपद का स्वर्णिम युग, वो पीरियड जो है वो स्वर्णिम युग हम कह सकते हैं। ये मैं दर्शकों को बताऊं, पंडित जी को तो खैर आनंद को मालूम होगा कि तानसेन जी उच्च ब्राह्मण परिवार के थे, और उनका नाम था रामतनु पांडे, मैं ठीक बोल रहा हूँ सर जी? पांडे जी थे, रीवा के महाराज के यहाँ गाते थे, और उनका नाम जो तानसेन रखा वो ग्वालियर के महाराज ने रखा था, विक्रमजीत सिंह जी ने रखा था। अच्छा, एक मैं छोटा सा, हम लोग तो बच्चे थे जब सुनते थे कि वो तानसेन जी ने राग जो है वो मलर गाया तो पानी गिर गया, और राग दीपक गाया तो आग जल गई, तो इसमें क्या सच्चाई है और इसमें कितनी मतलब एक डेप्थ है? देखिए, स्वर के प्रभाव को आप नकार नहीं सकते, सिर्फ बात यह है कि आप कितनी सच्चाई से और कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आप लगाते हैं जी। जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, कि चाहे वो किसी पंडित ने या उस्ताद ने पानी बरसाया हो या आग लगाई हो या कोई दूसरे काम संगीत के जरिए हुए हों, वो सब जायज़ है। जायज़ है इसलिए जायज़ है कि संगीत में वो शक्ति है, स्वरों में वो प्रभाव है, और ये जो हमारे शास्त्रीय संगीत जब हम गाते हैं, तो उसका जो स्वर जो अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, उससे सब संभव है। क्या बात, बस शर्त है कि गाने वाला भी उतना ही, उसकी भी उतनी आध्यात्मिक ऊंचाई हो जी। देखिए, अपन आज तानसेन जी को याद करते हैं, आपने बताया 1500 से लेकर 1600, मतलब कितने वर्ष बीत गए जी, आज भी उनकी डेथ है या उनकी एक यादगार है, लगभग 500 साल हो, 500 साल करीब, एक लंबा अरसा होता है। आपकी जो मशहूरियत, मैं भोपाल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मशहूरियत जो रही जीवन में, वो आपने भाई के साथ रही, गुंडेचा ब्रदर्स जी। और मैं इसके पहले आगे बढ़ूँ, मैं
एक बचपन से आपसे जैसे जिक्र कर रहा था मैं पंडित जी के साथ, तो बचपन में दोनों भाई फिल्मी गाना गाया करते थे अपने घराने में। पिताजी ने इनका शौक पकड़ा और उज्जैन के निवासी हैं, उज्जैन भी शिक्षा प्राप्त हुई। तो भाई का इनके जो छोटे ब्रदर थे और अनंत उनके छोटे ब्रदर के बच्चे हैं रमाकांत जी के, तो रमाकांत जी का देहांत वर्ष 2019 में हुआ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ, परफॉर्म करने जा रहे थे। उनके साथ एक लंबा अरसा रहा आपका पंडित जी, मैं अगर लेके चलूँ पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपका वर्ष 1985 में रहा उनके साथ, और अगर अपन 2019 भी लेके चलें तो करीब नियरली अबाउट 38 ईयर्स का एक आप लोग का स्टेज परफॉर्मेंस का योगदान या एक ब्रदरहुड रहा जी। कैसा उनके साथ जाना महसूस हुआ, क्या यादें हैं, एक छोटी सी श्रद्धांजलि छोटे भाई को देते हुए बना। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये जो आप 38 ईयर्स की बात कर रहे हैं ये तो अपनी जगह एक परफॉर्मेंस टाइम की बात कर रहे हैं आप, बट अदरवाइज़ हम तो जब एक ही घर में रहे हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, तो बचपन से ही हम लोग साथ में। मैं उससे रमाकांत से लगभग 2.5 साल बड़ा हूँ। ओके। तो खेलना कूदना लड़ना झगड़ना खाना पीना संगीत का रियाज सब कुछ हम लोग साथ में करते थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी जब गाते हैं आप, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि सामने वाला जो कर रहा है उसके बरक्स आप क्या कर रहे हैं। एक राग को जब हम उठाते हैं तो हम एक के ऊपर एक ईंट रख करके एक मकान जैसा बनाते हैं। जी जी। तो वो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की, चूंकि हम भाई थे और साथ में रहे हमेशा, तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जिसको कहेंगे हम बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसी वजह से हम लोग इतना कुछ संगीत में जो कुछ भी हम कर पाए वो अंडरस्टैंडिंग का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बचपन का कुछ किस्सा सुनाइए ना उनके साथ का, उज्जैन का। आप लोग स्टेज पे गाते थे, आप बताते थे पैरोडीज गाते थे, फिर पिताजी ने आपको संगीत की दुनिया में डाला, फिर भोपाल आए। थोड़ा बहुत जी, थोड़ा जी, बहुत एक इतिहास पुराना आपका। जी 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 जी। दरअसल हमारी जो संगीत की शुरुआत है वो जैन मंदिरों में भक्ति होती है। हाँ। रात को भक्ति होती है जैन मंदिरों में, तो वो ज़्यादातर फिल्मी पैरोडीज पर ही होती है। जी जी। तो वो वैसा हम लोग भी भक्ति में जाया करते थे शाम को, अपना स्कूल और सब काम निपटा के शाम को मंदिर में, और दोनों भाई साथ में गाते थे, तो वहाँ से हमारी भक्ति संगीत से उस तरीके से शुरुआत हुई। फिर पिताजी ने सोचा कि गला अच्छा है इनका और ये गाते हैं, तो इनको क्यों ना थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत की तालीम भी दिलवा दें, तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें और थोड़ा इनको उससे फ़ायदा होगा और संगीत को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी जी। तो उन्होंने हमको माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन में दाखिला दिलवा दिया, और बस फिर हम धीरे धीरे करते गए। मास्टर डिग्री भी किया दोनों भाइयों ने, फिर हम उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब से सीखने के लिए यहाँ भोपाल भी आ गए ध्रुपद केंद्र। आप बता रहे थे यहाँ पे शायद निषाद कॉलोनी में उस जमाने में था, ये सन 1980-81 की बात, 1981 जी। तो फिर हम यहाँ आ गए और फिर वो सिलसिला चल निकला। अनंत का जुड़ाव कैसे रहा अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के देहांत के बाद 2019 में आप लोग का कैसे ये मिलन हुआ? जी ये मिलन बड़े विचित्र सर्कमस्टेंसेस। बताइए बताइए बताइए। मैं गा तो रहा था, मुझे बड़ा शौक धीरे धीरे मेरा डेवलप होने लगा था कि ध्रुपद एक बड़ी डेप्थ वाली चीज़ है, और मेरा उसमें रुझान धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे एज अ करियर परस्यू करना चाहिए, और मैंने फिर पापा लोगों से गुरुकुल में रह के शिक्षा लेना चालू करी। मैंने अपना परफॉर्मिंग करियर चालू ही किया था, और कुछ ही समय में अनफॉर्चुनेटली पिताजी का देहांत। अच्छा, आपने उसके पहले शुरुआत कर दी थी? जी, पिताजी के जाने के पहले मैंने परफॉर्म करना चालू कर दिया था। गुरुजी के आशीर्वाद से, पापा लोग के परिवार के आशीर्वाद से ऑल इंडिया रेडियो कॉम्पिटिशन भी जीता मैंने, और कुछ अवार्ड्स और कुछ स्कॉलरशिप्स मिली मुझे। CCRT स्कॉलरशिप का भी मैं रेसिपिएंट रहा। फिर अचानक से जब ये दुर्घटना हुई, तो कैसे हुआ ये हमें भी इतना अच्छे समझ में नहीं आया जी। मगर चूंकि मैं गा रहा था और एक जोड़ी लोगों को टूटती हुई दिखी, तो एक अपने आप ऑर्गेनिकली बोला कि अब मैं बैठना चालू कर दूं, और वो जगह तो भरना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अपना जितना मैंने सीखा था, जितना मुझे उनसे और सीखते रहा हूँ मैं अभी तक,
उसका सहयोग लेके मैं उनके साथ आवाज़ लगाने की कोशिश करता हूँ, और हम लोग अब पिछले 4 साल से साथ में गा रहे हैं। तो इंसिस्टेंस बड़े पापा जी की रही, गुरु जी की रही, या आपकी जिद रही कि मैं आपके साथ गाना चाहूँगा, किस तरीके से ये मिलाप हुआ? नहीं, ये देखिए, ये एक बड़ी बड़ी विचित्र बात है, और ये सब लोगों को जो वहाँ पर थे उस समय उनको लोगों को पता है, उधर ये अपना जो भदभदा स्मशान घाट है जी, तो 9 नवंबर को जब रमाकांत की को ले गए वहाँ पर, तो नगीन है जी, अपने हबीब साहब की बेटी जी, वो भी थी वहाँ पर जी, तो बस उसने उसी समय तय कर दिया। अच्छा, हाँ, ये उस स्पॉट का डिसीजन, उसी स्पॉट पे उसने वही डिसीजन कर दिया कि आज से अनंत जो है आपके साथ गाएगा। क्या बात, क्या बात, और आप दोनों मान गए। वो तो जो तो ये सब मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिकली कुदरतन जी जो चीज़ें होती है। अब देखिए, एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि हमारे घर का इतना बड़ा निर्णय जी वो ले रही, इमोशनल था ना, इमोशनल जज्बाती था, हाँ, तो आप दोनों मान गए ये बात, क्योंकि प्रैक्टिकल डिसीजन तो था ही नहीं इसमें, तो यहाँ इट वॉज फिलिंग द स्पेस ऑफ योर ब्रदर, ये बात, ये बड़ा जज्बाती वाक्य था, आप भी अकेले थे तुरंत उसी समय वहीं पर। क्या बात, तो ये सब मतलब प्रभु कृपा है। अब आपने शुरुआत तो ज़रूर करी थी, अब चूंकि जिक्र हुआ और ये बात छिड़ी आप दोनों की, कि एक छोटा सा दो मिनट का या दो लाइन का कुछ गा दीजिए हमारे दर्शकों के जी, आप दोनों का कॉम्बिनेशन, या जो आप लोग का बहुत ही फेवरेट रहा हो, या कोई पहला आप लोगों ने जो स्टेज पे गाया हो, कोई इमोशनल मोमेंट हो। जी जी, ज़रूर ज़रूर, एक दो मिनट के लिए जी दर्शकों के लिए। और क्या गा रहे हैं ये भी हमें बताइए। मालकोंस में एक बंदिश है, शिवजी की स्तुति। अरे वाह, और आज देखिए सोमवार भी है, आज सोमवार भी है, और शिवजी का भजन भी आप गा रहे हैं, मजा आ गया सर। तो आज सोमवार है जैसे आपने बताया, और आज तो भोलेनाथ का दिन ही है आज, शिवजी का एक पद हम बिल्कुल ट्रेडिशनल पद है, जरूर जरूर सुना। शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, शंकर शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, पार्वती पतेश्वर, पार्वती पतेश्वर, गजरुंड माला महामय महेश्वर, शंकर गिरिजापति, शंकर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर, जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर, नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर, शंकर गिरिजापति, शंकर। ओम नमो शिवाय। बहुत खूबसूरत, बहुत जय जय। एक छोटा सा प्रश्न और पंडित जी आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने अभी जब ये शुरुआत करी थी ये टॉक आपसे, कि ये जो बच्चा है हिंदुस्तान का, जो यूथ है, अगर ये संगीत से जुड़े तो एक प्रसिद्धि या एक और जानकारी उसको अपने इंडियन क्लासिकल सिंगिंग के बारे में पता चलेगी। और मैंने अभी देखा पिछले करीब कुछ वर्षों से, जैसे कबीर के दोहे, अब कबीर के दोहे का फ्यूजन शुरू हो गया जो आम जनता तक पहुँच रहा है, जैसे कबीर कैफे बड़ा फेमस बैंड हो गया, जो एक कमर्शियल भी हो गया, मूलधन भी है, दोनों है। तो क्या आप समझते हैं कि अपन इंडियन क्लासिकल में, जैसे ध्रुपद आपका जनर है या राग है, या इसको अपन स्प्रेड करने के लिए, मेरा मेन उद्देश्य है हिंदुस्तान की यूथ के लिए, तो क्या कैन यू थिंक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ अ फ्यूजन? नहीं, हमने सोचा है जी, और हमने ध्रुपद शैली में ही कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को, और जयशंकर प्रसाद को, निराला जी को, इनकी कविताओं को, इनके पदों को हम लोगों ने ध्रुपद शैली में गाया है। ओके, और हमें खुशी है कहते हुए कि इसको रसिक लोगों ने और गुणीजन उन्होंने बड़ा पसंद किया। नहीं, जैसे थोड़ा और कमर्शियल, मे बी लिटिल मोर कमर्शियल, मतलब जैसे कहते हैं ना एक फ्यूजन, मे बी विद, मैं ये तो नहीं कहूँगा जायज़ या पॉप म्यूज़िक या रॉक म्यूज़िक के साथ,
बट किसी एक कमर्शियल किसी के साथ फ्यूजन में एक पार्ट आप लोग का अलग अलग विधाओं के साथ कोलैबोरेट करने का शुरुआत से ही पापा लोगों का इंटेंशन रहा है जी। चाहे वो भरतनाट्यम हुआ, चाहे वो मूवमेंट हुआ जी, चाहे वो फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली हमने देखा कि उनकी जो बेटी है धानी जी, उन्होंने और उनकी एक और शिष्य है जानवी फंसालकर जी, उन्होंने मिलकर जनाबाई के जो पद हैं उसको एक प्रोडक्शन में पूरा पिरोया गया ओके, ओके। उसको ध्रुपद स्टाइल में उनके पदों को कंपोज करा गया जी, उसको भरतनाट्यम के और लाइटिंग के और नरेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट करना गया जी। तो ध्रुपद एक अलग अलग अपनी शक्ल में प्रस्तुत हो रहा है ओके, ओके। चाहे वो थिएटर में किसी प्ले की म्यूजिक से हो, चाहे वो एग्जैक्टली ताकि एक स्प्रेडिंग ज्यादा हो उसकी, ज्यादा फैले जी। इस प्रकार से अलग अलग जो विधाएं हैं, चाहे वो थिएटर हुआ, डांस हुआ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लिटरेचर के कोलैबोरेशन जो कर रहे हैं जिससे अलग अलग क्राउड को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा सेगमेंट, ज़्यादा सेक्शन को पता चले जी। पंडित जी, आप अपने भ्राताश्री के साथ पूरे वर्ल्ड का टूर कर गए जी, कोई एक अच्छी यादगार, कोई एक इमोशनल मोमेंट या कोई एक इंस्पिरेशन आपकी लाइफ के लिए कि ये थे गुरु जी जो मेरे बहुत ही मैं इंस्पायर हुआ इनसे, कोई ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? देखिए, जहाँ तक इंस्पायरेशन का सवाल है, वो तो हमें अपने गुरु से ही मिला जी। हमारे उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब, उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन डागर साहब जी, वो ही हमारे जो है मार्गदर्शक जी, और इंस्पिरेशन उनसे के उनसे ही मिला जी। लेकिन जहाँ तक वाक्यों का सवाल है, एक आज कोई इंटरेस्टिंग वाक्य, बहुत बहुत एक आज कोई मज़ेदार वाक्य होता जी, है जी जी जी। तो ख़ास तौर से जब हम पहली दफ़ा जी 1992 में जी, जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन जर्मनी हुआ, वो लगभग हमारा एक महीने का टूर था और बहुत एक्साइटिंग टूर था क्योंकि हम पहली दफ़ा बाहर गए थे जी। और फिर वो भी एकदम जर्मनी जैसे यूरोप का, जो कि यूरोप का भी जो है एकदम एडवांस देश है जी, वहाँ पर गए तो एक एक्साइटमेंट था। और जैसे ही हम लोग वहाँ गए जर्मनी में, एयरपोर्ट पर उतरे, तो वो जो दुनिया हमने देखी एकदम झकाझक दुनिया उसको अलग अलग एकदम हमने कहा दुनिया ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि उस समय ये टीवी पर और ये इतना ज़्यादा कुछ प्रचार था नहीं जी, और बस सिर्फ सुनते थे कभी अखबारों में कभी ये, तो वो एक, और उसके बाद फिर सारी चीज़ों का वहाँ का रहन सहन, तौर तरीका, उनके एटिकेट्स, उनके खाने का ढंग, उनके उठने बैठने का ढंग, एकदम टाइमिंग का उनका अपना एक जो वो रहता है कि एक जो समय बता दिया गया है, एक मिनट भी पंक्चुअलिटी तो बहुत रहती है। और सबसे बड़ी हमको ये जान के ताज्जुब हुआ, जब हम वहाँ लोकल स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर गए जर्नी के लिए जी, तो ट्रेन 5 सेकंड लेट थी, तो अनाउंसमेंट हो रहा था, बताइए कि ट्रेन 5 सेकंड लेट है। अपना हिंदुस्तानी तो उस चीज़ को मेरे ख्याल से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब सोच से परे था कि 5 सेकंड लेट अगर है ट्रेन, उसका भी अनाउंसमेंट तो उसका अनाउंसमेंट हो रहा है कि दिस ट्रेन इज 5 सेकंड लेट, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और जाहिर बात है कि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि पहली बार हम गए थे तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ से उस यात्रा से सीखा। अगर अपन हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की बात करें, दी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, मैं गुरुकुल पे आ रहा हूँ, मैंने आपने इतना खूबसूरत ये गुरुकुल दिया, मैंने अपने फोटोग्राफर के साथ पूरा यहाँ का वो कंप्लीट आपका व्यू लिया अभी जी। और अगर अपन देखें तो 3 भारत रत्न प्राप्त हुए इंडियन क्लासिकल सिंगर्स में जी, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब हैं। तो भारत रत्न तो सबसे बड़ा एक ऑनर है संगीत में। मैं आपको और बता दूं कि भारत रत्न जो है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भी मिला जी, तो काफ़ी भारत रत्न प्राप्त हुए। तो ये गुरुकुल की जो नींव आपने डाली, ये गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा विस्तार करिए कि ये गुरुकुल आपने डाला और किस उद्देश्य से डाला। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए क्या था कि जब हम लोग ध्रुपद सीख रहे थे जी, जिस वक्त हमारी तालीम हो रही थी उस्ताद से जी, तभी हमारे दिमाग में आया कि उस समय जो भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आई, तो 2-3 बड़ी कठिनाइयाँ थी जी। एक रहने की समस्या जी, और दूसरा ये कि जो जितना एक वास्ट तरीके से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित
वो गुरुकुल होना चाहिए जी। उसकी परिकल्पना हमारे दिमाग में उसी समय आ गई। ओके, हालांकि हम गुरु शिष्य परंपरा से सीखे हैं जी, लेकिन वो एक सरकार के द्वारा चलाई गई गुरु परंपरा जो आपका पहला वंश 1981 आपने बताया। जी जी जी, तो बहुत सारी हमको उसमें कमियां दिखाई दी जी, जी। तो वो सब हमने दूर करके और एक भविष्य में कभी मौका मिला जी तो हम एक ऐसा गुरुकुल बनाएंगे जो रियल में। नींव उस वर्ष की पड़ गई थी कि ये उसी वक्त सीखते वक्त और गुरु की ये जो एक जो रीति रिवाज है ये अपन उसको आगे कायम करेंगे। हाँ, आगे कायम करेंगे और इसको और अधिक सही मायने में जी ये बनाएंगे ऐसा गुरुकुल कि जहाँ सही मायने में वो गुरुकुल। क्या बात, अभी कितने आपके पास बच्चे हैं गुरुकुल में? हमारे यहाँ अभी कम से कम 18-20 बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात, जो सीखते हैं देश विदेश से भी बच्चे आते रहते क्या हैं। बात, क्या बात। और हमारे यहाँ लगभग 30 देशों के बच्चे क्या बात समय समय पर आकर के क्या सीखते हैं। गुरुकुल जैसे मैंने जिक्र किया, भोपाल में भदभदा एक डैम है, वहाँ से हार्डली अबाउट 1.5 किलोमीटर, बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन है। और मैं कल इनसे मिलने आया था पंडित जी से, तो मैं अंदर घुसते सी मैंने बोला पंडित जी वाइब्रेशंस कितने अच्छे, जैसे एक शुद्ध जगह पे आप अंदर तशरीफ ले आओ, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा कैमरामैन भी मुंडी हिला रहा है ये सहमति जताते हुए कि बहुत अच्छे वाइब्रेशन है जी। तो मैं पंडित जी और अनंत का बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त दिया। मैं एक छोटे से प्रश्न के साथ अंत करना चाहता हूँ, और वो भी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर, क्योंकि सेंसिटिव प्रश्न है जी, और मैं सेंसिटिव प्रश्न का आप जैसा ठीक उत्तर देना चाहें अगर मुनासिब समझे, और नहीं मुनासिब समझे तो मैं वो चॉइस आपके छोड़ता हूँ जी। ब्रदर का ध्यान 2019 में हुआ, उसके बाद आपके संस्था के ऊपर थोड़ी नेगेटिविटी आई जी इन टर्म्स ऑफ द मी टू एलिगेशंस, कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे? देखिए ये मी टू का जो किस्सा है ये इसका मतलब मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा अभी। नहीं, मैंने चॉइस पूरी आप पे छोड़ दी जी, दिस इज टोटली योर चॉइस। मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जो मामला है वो सब जुडिशियस है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसका, तो हम माननीय न्यायालय का बिल्कुल आदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो जैसा निर्णय देंगे उसके बाद ही हम अपनी बात कुछ कह पाने में समर्थ हैं। नहीं, बहुत अच्छा है और मैं भी बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। वी हैव टू ऑनर द जस्टिस ऑफ द कंट्री, द जस्टिस ऑफ द लैंड, और बहुत अच्छा उत्तर दिया पंडित जी। गुरुकुल के बारे में पंडित जी आप जिक्र कर रहे थे, इतनी फॉन्ड मेमोरीज के साथ कर रहे थे, नींव आपने डाली जब विचार वर्ष 1981 में आया। आप कल, मैं ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा कर रहा था पंडित जी के साथ, तो आप बहुत प्रेम से याद कर रहे थे अपने छोटे भाई को जी, अखिलेश जी, जिनका गुरुकुल में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो क्या अभी नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो हैं और उनको बुलवाते हैं जी, उनको बुलवाइए ना। तो एक दो शब्द गुरुकुल के संबंध में अखिलेश, क्योंकि उनका इसलिए भी बड़ा योगदान है कि गाना तो हम लोग सिखाते हैं लेकिन वो पखावज के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। ओके, तो वो भी एक बड़ा ट्रेडिशन है जी, जैसे ध्रुपद पुराना है उतना ही पुराना पखावज। अच्छा, ओके, है ओके। अखिलेश जी हमारे बीच आ चुके हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था पंडित जी के साथ कि गुरुकुल की स्थापना में काफी बड़ा योगदान रहा। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए, आपके बड़े राताश्री पंडित जी हमारे उमाकांत जी बता रहे थे गुरुकुल में आपका योगदान, गुरुकुल की स्थापना में आपका योगदान, कुछ उसके विषय में बारे में बताइए। योगदान तो एक तरीके से देखा जाए तो तीनों ही लोग, हमारे माता पिता जी, हमारे उस्ताद, इन सब लोगों का योगदान है जी। तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा बूंद के समान हमारा भी उसमें योगदान है जी। और योगदान इस नाते कि यहाँ पे जब ध्रुपद की शिक्षा दी जाती है जी, तो ध्रुपद के साथ जो वाद्य बजता है जी, वो ये पखावज। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो हमारे दर्शकों को साथ थोड़ा एक छोटा सा बजा के बताइए, मतलब सौभाग्य रहेगा, दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। पंडित जी से तो हमने दरख्वास्त करी तो पंडित जी ने तो गा दी, और आज शिव जी का ही गा दिया, आज सोमवार भी था, साथ में आपका ये पखावज हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। छोटा सा एक पखावज का जी जी जी, जरूर जरूर जरूर।
रोहित ही हो गए साहब बहुत। गुरुकुल की आगे की दशा आप कैसे समझते हैं, पंडित जी के साथ ही बैठे हुए हैं, गुरुकुल आज अपन 2023 में है, आगे वाले वर्षों में पंडित जी अखिलेश जी भी बैठे, कहाँ आप लोग इसको गुरुकुल को देखना चाहते हैं? गुरुकुल में ये हमारा सौभाग्य रहा कि जब 2004 में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का उद्घाटन किया जी, इसकी ज़रूरत महसूस हुई तभी ये गुरुकुल बना जी। और ज़रूरत महसूस हुई इसका मतलब ये कि देश में बहुत सारे देश के बाहर के लोग भी ध्रुपद और पखावज सीखना चाहते हैं जी, इस विद्या को जानना चाहते हैं। तो 2004 से लेके अब तक यहाँ पे कई विद्यार्थी कलाकार के रूप में परिवर्तित हुए हैं, कलाकार बने हैं, क्या बात, और वो फुल टाइम ध्रुपद म्यूजिशियन। अरे क्या बात। एक आध किसी का नाम आपको याद हो जो दर्शकों से आप शेयर करना चाहते हो? हमारे जो बहुत सारे शिष्य हैं इसमें आस्था प्रदीप चोपड़ा भागवानी में जी, वो ध्रुपद डुएट में गाते हैं जी, जानवी फणसलकर पूना में है, मुकुंद देव है, क्या बात, भुवनेश्वर में, क्या बात, सब काफी लोग हैं, सबने शिक्षा यहीं प्राप्त कर, काफी लोग पखावत की शिक्षा में भी हमारे अवधेश चोपड़ा हैं जी, अनुजा बोरुड़े पूना की हैं जी, वो यहाँ पे हैं, ज्ञानेश्वर देशमुख हैं जी, हृदेश चोपड़ा है, तो बहुत सारे हमारे, एक अच्छी एक सौभाग्य की बात है और ये चैलेंज भी है। हमारा जो माली है जी, हमारा जो गार्डनर है उनका बेटा है 11 साल का जी, वही पखावत सीख, क्या बात। तो ये चलता रहता है, प्रोसेस है, विद्यार्थी आते हैं सीखते हैं कलाकार बन जाते हैं, फिर नया बैच आता है जी, तो ये एक परंपरा है, एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। बहुत अच्छा। और क्यों ना हो, जैसे उमाकांत जी ने बताया कि ये जो राग है और ये जो इंडियन क्लासिकल है ये जाता है 1500 पे जाता है, तो कितना पुराना एक आर्ट है, मेरे सबसे ओल्ड अगर अपन देखें तो एक आर्ट है, तो उसको सीखने के लिए इच्छुक क्यों नहीं होंगे? और ओरिजिनेशन अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान जी, ओरिजिन देखा जाए तो हिंदुस्तानी है, कहाँ से आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अखिलेश जी आपसे मुलाकात करके, पंडित जी को तो मैं धन्यवाद दे ही चुका हूँ, मैं इसी के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 वर्ष के बाद फिर आऊँ आपके पास जी, और आपका गुरुकुल और अच्छा बड़ा हो जाए और अच्छा आपके साथ एक टॉक शो, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय हिंद।